नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदेव और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल साइंस, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उस हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, उस पर हम शक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे जिसके रास्ते में कई रुकावटें हैं और उस रुकावटों को हम दूर करेंगे मिलकर। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है पॉडकास्ट का, वो है ईगो। ईगो एक ऐसी बीमारी है जो आज इस सभी न्यू जनरेशन के लोगों को हो गई है। हम सभी अपने को दूसरे से बेहतर मानते हैं और दूसरे वाले को बिल्कुल छोटा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, मैं तो बहुत ही हम्बल हूँ, मैं तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, मैं तो सबको अपना अपने से बड़ा समझता हूँ, तो आज मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। आज हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपनी आंखों को सबसे पहले बंद कर लीजिए, प्लीज़। अपनी आंखें आपने बंद कर ली हैं और जैसा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा वैसा आप भी सोचना शुरू कर दीजिए। आपके किसी परिजन का एक्सीडेंट हो गया है, सपोज़ कीजिए वो बहुत बीमार है, ठीक है, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, उसको वो ऑलरेडी दाखिल हो चुका है, आपको बाद में पता चला है और आप हॉस्पिटल में आए हैं। हॉस्पिटल में सबसे पहले गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड है, उससे पूछिए कि मेरा रिलेटिव कहाँ पर है, वो आपको रास्ता बता देगा। फिर अंदर जाइए, अंदर जाकर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा या बैठी होगी, आप उससे पूछिए कि आपका पेशेंट का ये नाम है और वो कहाँ पर है। उसने आपको अपना बता दिया एड्रेस का, आपका पेशेंट कहाँ पर है। अब वहाँ से आप आगे जाइए तो सामने आपके पास एक डॉक्टर है। आप डॉक्टर से पूछिए कि सर मेरा दोस्त जो है या मेरा रिलेटिव जो है वो कैसा है, क्या वो ठीक है या नहीं है। तो अब आप अपने रिलेटिव से बात कीजिए, अगर वो ठीक है तो आप उससे रिलेटिव से बात कीजिए, सपोज़ कीजिए वो ठीक है, अब उससे बात कीजिए कि यार अब तू ठीक है कि नहीं, क्या समस्या आ गई। एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। अब इस बात के ऊपर गौर कीजिए, जब आप हॉस्पिटल में एंटर किए तब सबसे पहले जब आप सिक्योरिटी गार्ड से आपने जो बात की, अब उस समय आपका वो लहजा कैसा था, आपने ऐसे तो नहीं बात की, ओए यहाँ पर एक पेशेंट आया था, ये नाम था उसका, कहाँ पर है वो, या सर मेरा ना एक पेशेंट आया है यहाँ पर, क्या वो आपके हॉस्पिटल में आया है, उसका ये नाम है। फिर आप रिसेप्शनिस्ट के बाद अब पास जाते हैं, अब आप उससे पूछते हैं, मैम मेरा एक पेशेंट आया था यहाँ पर, कहाँ पर है वो। वो बोलेगी उसका नाम पता क्या है ये वो। आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, मैडम आपके हॉस्पिटल में तो आया है, आपको इतना भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ, मैम मेरा ना एक पेशेंट यहाँ पर आया हुआ है और वो थोड़ा सा बीमार है, क्या वो देख के बताना कौन से रूम में है वो। फिर तीसरी बात आप डॉक्टर से बात जाके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा, उस समय मेरे हिसाब से सबका सेम होगा, डॉक्टर साहब मेरा ना एक फ्रेंड है ये या मेरा रिलेटिव है, प्लीज़ कैसा है वो, क्या वो ठीक है अब। फिर आप अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, वो बोलते हैं और यार क्या हाल है, क्या हो रहा है ये, क्या हो गया, ऐसे आप ये हॉस्पिटल में क्यों आ गए, क्या बात हो गई। तब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जो आप ये चारों बंदों से आप मिले, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर और आपका रिलेटिव, उन चारों के साथ जो था आपका बोलने का जो नेचर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यानी कि आप सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा सा हार्श बोले, उससे थोड़ा सा कम रिसेप्शनिस्ट थे, और थोड़ा सा प्यार से बात की आप अपने डॉक्टर से, और सबसे ज़्यादा आपने प्यार किया अपने रिलेटिव या अपने दोस्त से। तो अब यहाँ पर ईगो कहाँ पर आती है। अगर आपने आपका जो टेस्ट था, आपने सभी ने वो टेस्ट दिया है, अब उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका बोलने का लहजा सभी के साथ बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी कि आप सबके साथ प्यार से बात की है, तो आपके अंदर ईगो कम है,
वहीं अगर आप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो बोलने का जो तरीका है चारों के साथ, तो अभी आपके अंदर थोड़ी सी ईगो बाकी है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ कुछ दिनों के बाद करते रहिए और चेक करते रहिए कि आपकी ईगो कितनी बची है। जिस दिन आप सभी लोगों के साथ एक रास्ते पे खड़ा भिखारी के साथ भी जब आप के बात करने का लहजा, अपने परिजन के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने बच्चे के साथ प्यार करने के लहजे के बराबर हो जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि आपके अंदर ईगो पूरी तरीके से गायब हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हम वो रुकावटें दूर कर सकें, वो परेशानियां दूर कर सकें जो हमें उस परमात्मा के रास्ते में आ रही हैं, उससे मिलने से जो हमें रोक रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।